I'm not going to send it. I'm going to cover it. दौलत हिंदी में कहूँ आपको कोई साल तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने दुनिया में तीन कोई 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और जहां भी इंटरव्यू दिया है हिंदी में ही दिया। यहाँ पे आज अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें हिंदी बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर की यही बात मैं तो सिर्फ एथलेटिक की बात करता हूँ। एथलेटिक जो है वो मदर स्पोर्ट, ठीक है कि नहीं? हमने बहुत अच्छा किया है दूसरी गेम्स के अंदर, हमने बॉक्सिंग में भी मेडल ले लिए, रेसलिंग में भी ले लिए, टेनिस में भी ले लिए, बैडमिंटन में, हर एक गेम के अंदर और में हमने मेडल लिया। मगर जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक हमें एथलेटिक में मेडल नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री। 1960 में मिल्खा सिंह के हाथ से मेडल गिर गया, उसके बाद गुरबचन सिंह रंधावा जो 1964 ओलंपिक गेम्स टोक्यो के अंदर हुई 110 मीटर हर्डल के अंदर, उसके हाथ से गिर गया। फिर उसके बाद 1976 मॉन्ट्रियल के अंदर ओलंपिक गेम्स हुई, वहाँ पे श्री राम सिंह 800 मीटर फाइनल में आए मगर वो भी मेडल नहीं ले पाए। उसके बाद पीटी उषा आई, पीटी उषा ने 1984 लॉस एंजलिस के अंदर, वहाँ पे उसके हाथ से मेडल गिर गया, उसका भी फोटो फिनिश पर मेडल गया। उसके बाद अंजू जॉर्ज आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट है तो तभी हम फाइनल में पहुँचे हैं। फाइनल में पहुँचना भी आसमान को छूने वाली बात है, फाइनल में आना जो 100 मीटर के अंदर 200 400 के अंदर बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। पहले राउंड में लोग बाहर हो जाते हैं, दूसरे राउंड में हो जाते हैं, तीसरे राउंड में हो जाते हैं। यहाँ तो पहला राउंड दौड़ो, दूसरा दौड़ो, तीसरा दौड़ो, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर आदमी फाइनल में पहुँचे। तो सारी दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो बच्चों अब इन्होंने एक गेल कंपनी है, आप जानते हैं गैस कंपनी, इन्होंने मेरे साथ मीटिंग की दिल्ली के अंदर। इन्होंने कहा कि हम मिल्खा सिंह इंडिया में से ढूंढना चाहते हैं। मिल्खा सिंह बहुत पढ़े हैं, हजारों में पढ़े हैं, गांव में जाइए, गली मोहल्ले में जाइए, वहां से ढूंढिए जाके, देखिए आपको मिल्खा सिंह को नहीं मिलते। उनको लाइए एक जगह पे रखिए, स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाए, एथलेटिक एकेडमी बनाई जाए, वहाँ रखा जाए और कोचेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखिए, तो तब जाकर रिजल्ट आपको मिल सकता है। जो हार्ड वर्क करने वाले बच्चे हों, जो रिजल्ट देने वाले कोचेज हों, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज मिल्खा सिंह बनना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला है कंट्री को, देखो ना रशिया को और अमेरिका को, जर्मनी को, आपका क्या नाम है इसको, ऑस्ट्रेलिया को, चाइना को अपने साथ साथ लेके चल रहा है। इतनी बड़ी बात, लड़ाई करनी हो तो लड़ाई करने में तो एक दिन एक मिनट की बात होती है, जाओ हम नहीं करते आप बात, जबान ही है ना, जबान से अगर आप किसी का बुरा बोलेंगे तो आपको वो बुरे तरीके से जवाब देंगे। तो वो इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये बिजनेस भी खींचना चाहता है, वहाँ से लाना चाहता है यहाँ, और साथ में दोस्ती भी रखना चाहता है। तो ये दो चीज़ें जो है बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं। मैं अभी मोदी जी की स्टेट में गया था, इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले सूरत में मैं गया, मोदी जी ने और मैंने मिल के बहुत बातें की, बैग भी किया, फ्लैग अप भी किया हमने मैराथन को, और मेरे साथ बैठ के उन्होंने एक घंटा पूरी बात की। तो मैंने उनको स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ, ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं, उनको सब मालूम है। अब तो ये है कि जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने बनाया, उसको ये चाहिए कि वो मीटिंग कॉल करें, नेशनल लेवल की मीटिंग हो जिसके अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आदमी हों, जिसके अंदर सारी एसोसिएशन, चाहे हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, चाहे किसी भी गेम की है, सबको बुलाया जाए वहाँ। भाई आपका क्या प्लानिंग है 4 साल के लिए, 8 साल के लिए? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे सकती है, पैसा दे सकती है,
मगर गवर्नमेंट रिजल्ट नहीं दे सकती। रिजल्ट जो देना है वो एसोसिएशन वालों ने देना है, खिलाड़ी ने देना है या कोचेज ने। सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था ध्यानचंद, क्योंकि वो नंबर वन प्लेयर हैं आज खिलाड़ी सारी दुनिया के अंदर। मैं नहीं ये कहता कि मिल्खा सिंह को मिलना चाहिए था, मगर उनको मिलना चाहिए। तो ये है कि मिल गया उसको, ठीक है, रास्ता खुल गया स्पोर्ट्स वालों के लिए, सारी चीज हो गई। तो कहाँ क्रिकेट और कहाँ हॉकी, जहाँ पे सारी दुनिया पार्टिसिपेट करती है ओलंपिक गेम्स के। आप इसके लिए कुछ कोशिश करें, जैसे पीएम मोदी से आपकी बातचीत हुई है तो हाँ। कभी अगर इस तरह की बात होती है तो ध्यानचंद जी का नाम आगे बढ़ाएंगे? नहीं, जरूर कहूँगा। एक बार नहीं, मैंने तो सपोर्ट भी किया उसको। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ हर बार यही कहता हूँ, और मोदी जी को मालूम है कि मिल्खा जी इंटरेस्टेड। एथलेटिक ट्रैक बहुत कम है, वो मैं जिक्र कर चुका हूँ।